धन्यवाद भाई सुरेश खन्ना जी। यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए पार्टी के सभी प्रमुख साथीगण और मेरे सामने बड़ी संख्या में मौजूद भाइयों और बहनों, मित्रों, अभी हमारे पड़ोसी सांसद श्री कश्यप जी से कुछ बातें आप लोग सुन रहे थे। ये बातें तो निरंतर हैं और ये पहचान अब देश में, प्रदेश में लोगों की समझ में आ रही है कि जो इस समय देश में सरकार है वो जवाबदेही की सरकार है और योगी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं सबको समझ में आ रहा है कि जो कहते हैं उसको पूरा करने का काम करते हैं। और आज यहाँ उसी बात को लेकर हम सब लोग आपके बीच में हैं। 2014 के बाद जब से केंद्र में भारत आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी है, हमने निश्चित रूप से तय किया है हम जिस काम को शुरुआत करेंगे पूरा भी करेंगे और देश की जनता को समर्पित करेंगे। और उसी के तहत हम यहाँ पर आपके बीच में आए हैं कि अब देश के अंदर जो सड़कों का जाल बन रहा है, गडकरी जी जिस नेतृत्व के साथ देश में काम कर रहे हैं सबको दिखाई भी दे रहा है और समझ में भी आ रहा है। तो आज यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने बीच में आ रहे हैं, आप सबको संबोधित करेंगे और हम इस बात को महसूस करें कि वास्तव में इस जवाबदेही के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जो सारी बातें आपको बताई गई वह हम सबको समझ में आता है। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि ये तभी संभव हो रहा है जब देश के अंदर ये डबल इंजन की सरकार जो है योगी और मोदी जी की, वो वास्तव में एक सही रफ्तार के साथ काम कर रही है। और आपसे इसी बात को लेकर हम आग्रह लेकर आए हैं, आप पूरी जवाबदेही के साथ हमारी बात को समझें और निश्चित रूप से एक भारी बहुमत के साथ, जैसा पहले भारतीय जनता पार्टी के ताने का काम करा था, अब फिर अपना योगदान हम लोगों के साथ करें। तो मैं अधिक न बोलते हुए अपने बीच में, बहुत जल्दी ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, बरेली प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं, इसलिए निश्चित रूप से किसी भी समय अपने बीच में आ सकते हैं। आप सब लोग एक निश्चित रूप से मन बनाकर जाएं कि पिछली बार जितने बहुमत से हमने जिताया था इस बार उससे ज्यादा बहुमत से हम लोग जिताने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।